नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 10 दिसंबर के शैक्षणिक समाचार में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पीटीटी परीक्षा है वो 2020 की, वो अब 16 सितंबर को होगी। 4 वर्षीय बीएड है वो सुबह की पारी में होगी और 2 वर्षीय जो बीएड है वो शाम की पारी में होगी, 3 बजे से 6 बजे। सुबह की पारी 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। 2 पारियों में ये परीक्षा होगी और 2100 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अंदर फाइनल ईयर की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और 18 सितंबर से 25 अक्टूबर तक होगी ये परीक्षाएं। जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से ये खबर है। अगर बात इग्नू के स्नातक के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा की अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 17 से है। महाराणा प्रताप गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के आवेदन है वो 28 तक कर सकते हैं आप। JNU के छात्रावास 16 से खुल जाएंगे और महाराणा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 18 तारीख से वो शुरू हो जाएगी। पूर्व कुलपति डॉक्टर CNA सरकार के इनकार पर भी शिक्षक भर्ती की, सामूहिक नकल पर भी कॉलेजों को मान्यता दोबारा दी और नियम तोड़ करोड़ों के ठेके आवंटित किए। और स्वास्थ्य मित्रों का चयन 13 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। बीकानेर विश्वविद्यालय परीक्षा का टाइम टेबल है वो घोषित कर दिया गया है। 13 सितंबर को देश भर में आयोजित होगी परीक्षाएं। नीट परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सत्याग्रह दिवस पर कविताओं में गुंजेगा सत्यमेव जयते, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग की पहल। 6 माह बाद भी IAN भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नहीं हुआ जारी, चलाया ट्विटर पर कैंपेन। अंग्रेजी माध्यम में मर्ज की स्कूलों को हिंदी माध्यम में जारी रखने की मांग। नई शिक्षा नीति में भारतीयता और देशी भाषाओं को महत्ता। कोरोना खतरे के बीच देंगे 15.97 लाख स्टूडेंट्स नीट परीक्षा। शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं मनमर्जी के अधिकारी। राजस्थान होमगार्ड रोडवेज किराए में 25% की छूट मिलेगी, राज्य में 30,000 जवानों को मिलेगा लाभ। IIT कंप्यूटर एजुकेशन कोटा के साथ MOU। 21 से खुलेंगे ITI और प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र। PTI भर्ती 2018 की हाईकोर्ट में सुनवाई 11 सितंबर को होगी। JNU में अंतिम वर्ष की परीक्षा 21 सितंबर से वो करवाई जाएगी। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों से लेकर आयोजकों तक की बड़ी चुनौती, जाने चुनावों की पूरी गाइडलाइन। कर्मचारियों के वेतन कटौती आदेश में धोखे से शुरुआत। 5,000 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबलों के भर्ती के लिए तैयारियां जारी कर दी गई हैं। रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग। कांकरी डोंगरी पर अभ्यर्थियों का धरना जारी। अंतिम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर स्पेशल बैकलॉग एवं ड्यू पे परीक्षा 14 से होंगी। प्रोफेसर राजीव जैन होंगे राजस्थान विश्वविद्यालय के नए कुलपति। ऑनलाइन रोजगार मिलो सहित ई प्लेसमेंट पर फोक्स गर्ग। तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। अंग्रेजी सोच एवं विचार से आज़ादी दिलाने वाली शिक्षा नीति। वेतन कटौती के सरकारी आदेश के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। 1.5 से 2 घंटे की होगी कॉलेजों की परीक्षा। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के 15 विश्वविद्यालयों में परीक्षा का मामला। मेधावी छात्रा की उत्तर पुस्तिका पर छात्र का नाम लिख कर किया फर्जीवाड़ा। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए चलेगा शिक्षा सेतु अभियान। राज्य बाल विवाह मुक्त होगा, बच्चियों को पढ़ाना अनिवार्य होगा, रोजगार के लिए लगाए जाएंगे मेले। 21 सितंबर से स्कूल खुलने पर अभिभावक असमंजस की स्थिति में। अभी शारीरिक शिक्षकों की मांग को लेकर आंदोलन शुरू। बालिकाओं की साइकिल वितरण को कोरोना, शिक्षा विभाग ने निरस्त की निविदा। उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की चुनौती। दिव्यांग जन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ। सीनियर रेजिडेंट्स के पदों पर साक्षात्कार। UP में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 21 से नहीं खुलेंगे। PNU में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने का मौका है। JMN सितंबर कल जारी हो सकता है परिणाम। बैंक में PO व कदरक के पद रिक्त, करें आवेदन। पदोन्नति के लिए पढ़ाने के साथ अब पढ़ना भी होगा।
ग्लोबल दौर में रोजगार की गारंटी। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग की प्रवेश परीक्षा 12 से होगी। ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर करें अप्लाई सभी। प्रदेश स्तरीय पीटीटी परीक्षा 16 सितंबर को होगी। अब राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा 18 से, पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाएं 23 से होगी। भविष्य निधि फिलहाल ब्याज का आंशिक भुगतान। मद्रासा विश्वविद्यालय से होगी स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षाएं। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भर्ती है उस पदों पर। अब 29 सितंबर को जेट परीक्षा वो करवाई जाएगी। कोरोना के कारण दो बार हुई थी परीक्षा स्थगित। NLSIU बेंगलुरु को क्लेट से निकाला। क्लेट में अब 21 NLU और 28 सितंबर को होगी परीक्षा इसकी। 3 साल तक मिलेंगे 50,000 रुपये हर महीने। ICSE डॉक्टरेट और स्कॉलरशिप की स्कीम है। कटौती नहीं बचत की युक्ति, पहले रोको राजनीतिक नियुक्ति, वेतन काटने से खपा कर्मचारी संगठन बोले। स्कूल जाने वाले छात्रों को 6 फुट की दूरी पर मास्क जरूरी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की SOG। NEET UG दिशा निर्देश व एडमिट कार्ड जारी। जूतों की जगह चप्पल या सैंडल आदि आस्तीन को अनुमति। रीट परीक्षा में होगा एक ही पेपर, BCOM की विद्यार्थी भी दे सकेंगे। 3 साल बाद फिर बदलेगी सरकारी स्कूलों के बच्चों की पोशाक। भामाशाहों की हमारी सरकारी स्कूल की सुविधा भामाशाहों ने संवारी थी। आज के समाचार यहीं समाप्त। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।